सो वंस अगेन वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए जो पिछली वीडियो में आप लोगों को होमवर्क दिया गया था उसको सॉल्व करते हैं और साथ में ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस था बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा है। देखो द मंकी हैज नॉट क्लाइम अप द ट्री अप द ट्री। द मंकी हैज नॉट क्लाइम्ड अप द ट्री। बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा है। अगला सेंटेंस है उन्होंने फूल नहीं तोड़ा है। मीन्स हो जाएगा दे हैव नॉट, फूल तोड़ने के लिए सोचिए प्लक्ड, PLUCKED प्लक्ड। They have not plucked flowers. FLOWERS They have not plucked flowers. उन्होंने फूल नहीं तोड़ा है। नंबर थ्री है वह अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचा है। वह अभी तक मतलब he has not reached द स्टेशन एट मीन्स अभी तक। एट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई कार्य, किसी कार्य का होना ही अभी बाकी हो। तो अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचा मतलब पहुंचने का कार्य अभी बाकी है। तो ही हैज नॉट रीच द स्टेशन एट। अगला देखते हैं, यहां कोई नहीं आया है। तो आप कह सकते हो कोई नहीं है, दोनों का अर्थ अगर हम एक साथ ले लें तो होता है नो वन या फिर नन भी आप लिख सकते हो। तो नो वन को सिंगुलर माना जाता है, नो वन हैज कम यहां का अंग्रेजी हो जाएगी हियर। नो वन हैज कम हियर यहां कोई नहीं आया है। चलिए नंबर फाइव देखते हैं, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। इस सेंटेंस में देखते हैं कभी भी आया है और नहीं भी आया है। तो हम क्या करेंगे, आई हैव प्लस क्या लगा देंगे, नेवर, नॉट नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि कभी और नहीं दोनों शब्द आए हैं। तो आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है इसलिए इसका पहला लेटर कैपिटल में रहेगा और इसके पहले आर्टिकल दा भी लगेगा। तो आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। लास्ट और सिक्स नंबर का सेंटेंस है, वह इस किताब को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। यानी कि ही हैज नॉट रीड रेड बट स्पेलिंग सेम रहेगी। तो ही हैज नॉट रेड दिस बुक प्रॉपरली, अच्छी तरह से इंग्लिश हो जाएगी प्रॉपरली। ही हैज नॉट रेड दिस बुक प्रॉपरली। इसी के साथ जो कल की एक्सरसाइज थी उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो चलिए अब हम इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप देखते हैं। देखो जो फर्स्ट टाइप होता है इंट्रोगेटिव, किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जो होता है, वो हिंदी की अगर सेंटेंस की बात करें तो वो क्या सबसे आरंभ होता है। और कोई भी हिंदी का ऐसा सेंटेंस आप ले लीजिए जो क्या सबसे आरंभ होता है, उसका आंसर आप हाँ ना में दे सकते हैं। वैसे इंग्लिश के साथ भी है, जितने भी जिनमें जो हम हिंदी में क्या लगा करके पूछते हैं वो लोग उसी को हेल्पिंग वर्ब लगा करके पूछते हैं। और कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो आप उसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। इसलिए उसका एक नाम होता है यस या नो टाइप। अब देखते हैं एक पहला सेंटेंस, आप देखिए स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हैज और हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हैज और हैव। अगर कोई भी हिंदी का सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और क्या सबसे आरंभ हुआ है, तो सबसे पहले आप करेंगे हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे उस वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उस सब्जेक्ट को राइट करेंगे। अगर सेंटेंस में नहीं शब्द आया है तो केवल नॉट राइट कर देंगे। अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आया है तो सब्जेक्ट के बाद ही नेवर का प्रयोग करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या तुम कभी दिल्ली नहीं गए हो। तो सबसे पहले लग जाएगा हैव क्योंकि आपका सब्जेक्ट तुम है, तुम का अंग्रेजी क्या होती है यू के साथ लगता है। तो हैव यू और कभी और नहीं शब्द आया तो हैव यू नेवर प्लस मेन वर्ब की फॉर्म गए गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म हैव यू नेवर गॉन टू
दिल्ली, दिल्ली। क्वेश्चन मार्क, हैव यू नेवर गॉन टू दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली या फिर दिल्ली नहीं गए हो। अगला है, क्या राम ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, तो राम क्या है, सिंगुलर है तो आप लगाओगे हैज प्लस सब्जेक्ट राम, नहीं शब्द आ गया है तो आप सब्जेक्ट के बाद लगा लीजिए नॉट। हैज राम नॉट, पूरा करना अंग्रेजी क्या होती, कंप्लीटेड। हैज राम नॉट कंप्लीटेड, राम आया है, अपना आया है तो आप लगाओगे अपने लिए हिज, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो क्या राम ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, हैज राम नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। सो तो चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप को देखते हैं, जिसे डब्ल्यू एच टाइप भी कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे अगर हिंदी का कोई सेंटेंस उसमें क्यों कहाँ कब कैसे, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य जो हैं हिंदी, प्रश्नवाचक शब्द जो हैं हिंदी के, अगर वाक्य के बीच में आते हैं, देखिए यहाँ पर आया हुआ सब वाक्य के बीच में आ रहे हैं, कैसे ये सब वाक्य अगर हिंदी सेंटेंस के बीच में आते हैं, अगर हम इनका ट्रांसलेट करने जाते हैं, सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी हम लिखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर भी क्या कहता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, यानी कि जो प्रश्न, जो शब्द प्रश्न कर रहा है, जैसे कि तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया है तो निगेटिव होगा, लेकिन क्यों नहीं किया है तो आपका ये प्रश्न बना दे रहा है, तो ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ। इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज और हैव राइट करेंगे, फिर सब्जेक्ट, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है केवल नहीं शब्द आया तो नॉट लगाएंगे, अगर कभी नहीं शब्द आया तो नेवर लगाएंगे, फिर लिखेंगे आप थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया है, तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई, इसके में तुमने आया यू लगेगा, यू के साथ क्या लग जाएगा, हैव, तो वाई हैव, उसके में आप सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखिए यू, वाई हैव यू नहीं शब्द केवल आया तो नॉट लिख दीजिए, वाई हैव यू नॉट कठिन परिश्रम करना, तो आप कहोगे वाई हैव यू नॉट वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड, एच ए आर डी क्वेश्चन मार्क, तो why have you not worked hard, तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया। अगला देखिए, मास्टर जी ने उसे फटकार क्यों नहीं लगाई है, तो सबसे पहले why has लग जाएगा क्योंकि मास्टर जी सिंगुलर है, why has the teacher हो जाएगा मास्टर जी इसका अर्थ, तो why has the teacher not scolded, 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 थर्ड फॉर्म हो गई, मीन्स फटकार लगाना, डांटना, तो why has the teacher not scolded him, he means उसे, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसने इन सभी समस्याओं को कैसे हल किया, तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाती है, हाउ, उसके में उसने लगा है तो क्या लग जाएगा, हैज, फिर उसने की अंग्रेजी ही हो जाएगी, तो हाउ हैज ही हल किया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म SOLVED solved, how has he solved इन सभी समस्याओं को, all these problems question mark, तो how has he solved all these problems। तो देखें हम लोग इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप यहां पर हम लोगों ने कवर कर लिया है, अब आप लोगों को फाइव सेंटेंस दे दिया जाता है होमवर्क में, तो चलिए देखते हैं, लेट्स डू एक्सरसाइज में आपको फाइव सेंटेंस दिए जाते हैं जिन्हें आपको घर पे अपने ट्रांसलेट करना है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और फाइव सेंटेंस मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, पहला सेंटेंस है, आपको यह 100 रुपये का नोट किसने दिया है, सेकेंड है, आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया है, थर्ड है, तुमने यह 100 का नोट किससे लिया है, फोर्थ है, उसने कौन सी फिल्म देखी है, और फिफ्थ है, उन्हें किसने बुलाया है। तो आप लोग इसका ट्रांसलेट करिएगा और इसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।